गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, लेकिन आज एक व्लॉग नहीं, दो दो तीन तीन व्लॉग शूट होने वाले हैं, क्योंकि कल मेरी स्पीति राइड, विंटर स्पीति राइड स्टार्ट हो गई है, तो आज ही सारे काम निपटाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी आया हूँ हीरो के शोरूम में बहादुरगढ़, यहाँ से बाइक लेनी है, क्योंकि मेरे पास इसके बाद 10 दिन के लिए कोई टाइम नहीं है, तो बाइक आज ही मैं ले रहा हूँ। आज कोई प्लान नहीं था, बट अचानक से बन ही गया, क्योंकि उसके बाद नहीं ले पाऊँगा मैं। तो एक बार चलते हैं शोरूम के अंदर, बाइक की डिलीवरी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं डायरेक्ट। और मैंने पहले ही बोल दिया था भाई इनको कि टाइम तो है नहीं अपने पास, बाइक रेडी करवा के रखो। तो गाइस, एक बार बाइक देखते चल के कौन सी बाइक कैसी क्या है, स्प्लेंडर है वैसे तो देखते कौन सी उन्होंने सिलेक्ट किया मेरे लिए, एक बार चेक करते हैं। और एक बार फोन भाई से मिलते हैं, उसके बाद आपसे एक बार डिलीवरी की वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आज टाइम बिल्कुल नहीं है। तो ये गाइस, ये व्लॉग मैंने जल्द जल्द में शूट किया है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी देखो बाइक शायद यही है मेरी, बाहर ही खड़ी है रेडी वगैरह होके, ये रखी होने लग रही है अभी। तो एक बार हेलमेट निकालता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, बाइक ये है, रेडी हो चुकी है, अभी एक बार पेपर वर्क रह गया और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो मैंने बोल दिया था पवन भाई को कि भाई जल्दी से जल्दी करवा दो, तो ये लगा लो कि 10-15 मिनट और लगे कि बाइक डिलीवर होने में, क्योंकि मेरे को अभी जाना है करोल बाग, और अभी हूँ मैं बहादुरगढ़ सातवीं गिरो में। तो एक बार बाइक का ओवरव्यू देख लो, ये है 2020 मॉडल जो अभी आया है, तो इसमें भी कुछ सर बता रहे हैं, अपडेट वगैरह किए गए हैं, तो मैं आपको बाद में इसका पूरा रिव्यू दे दूँगा। बाइक देख लो एक बार आप, ये आई स्मार्ट है जो क्लच दबाने से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप जैसे ट्रैफिक में खड़े हो, तो आपको सबको पता ही होगा 90% लोगों को, जैसे ट्रैफिक में खड़े हो, i3s है जो भी है स्मार्ट, तो इसमें क्या है कि न्यूट्रल करोगे ना आप, तो बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और क्लच दबाते ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे ना एक तो माइलेज अच्छी मिलती है, क्योंकि रेड लाइट वगैरह पे आपको ना बाइक, मतलब अगर 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी रह जाए या 5 मिनट खड़ी रह जाए, तो बंदा थोड़ा सा आलस कर लेता है कि भाई बाइक बंद करेंगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिक हो जाती है, तो सबसे अच्छी बात है इसकी। तो इसका माइलेज टेस्ट भी आएगा बहुत जल्द और सब कुछ आएगा। तो चलते टाइम एक बार आपको इसकी राइड दिखाता हूँ, अभी मोहित डोमिनार लेके चलेगा, मैं ये लेके चलूँगा। इसमें यहाँ पे साइड स्टैंड है, यहाँ पे i3s की वो है, यहाँ पे न्यूट्रल है, और यहाँ पे ये हाई बीम की लाइट है। ऐसे कुछ मिरर्स मिलते हैं इसमें, 2020 मॉडल है ये, इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो 19 की होगी शायद, लेकिन मॉडल ये 2020 ही बता रहे हैं सर। और आज एक बार देख लो, टाइम दिखा देता हूँ आपको, अरे हो जा यार, 12:45 टाइम हो चुका है अभी, तो दिखाता हूँ एक बार आपको चलते टाइम, इसका पूरा रिव्यू बता दूँगा कि कैसी चल रही है, कैसी है चलने में। तो चलते हैं गाइज, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई फाइनली डिलीवरी ले ली है, और आज डिलीवरी जल्दबाजी में ली है, ये नहीं है कि मैंने टाइम लगा के सही वाली ली है, क्योंकि कल मेरी है स्पीति राइड। और एक सेकंड, बाइक को थोड़ा सा वार्म अप देते हैं, फर्स्ट स्टार्ट ही है इसका। इस रिजर्व पे ही अभी, एक सेकंड, चौक वगैरह किस साइड है इसका मुझे पता भी नहीं है भाई, ये रहना। तो ये है अपनी न्यू फैमिली मेंबर, पेट्रोल कितना डाल रहा था इसमें, अरे एक तो डाल दिया करो, देख लो भाई आधा लीटर पेट्रोल डाल के दे, पेट्रोल
पकड़नी पड़ेगी शिकायत इनकी। कोई नहीं, अभी करा देंगे। थोड़ा सा वार्म अप मिल जाएगा ना, कॉल स्टार्ट हो रही है। एकदम भगा ना सकता, मेरी कोई भी बाइक हो मैं सुबह पहले वो मैं देता हूँ कम से कम भी 5-7 मिनट का, ऐसे भगाने में कोई फायदा ना है, बाइक के इंजन पर स्ट्रेस पड़े। तो भाई लेके चल रहे हैं, पहली राइड है ये इसकी। मैंने पहले ही कह दी थी, टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास। आज आपके आपके मेन उस पर देना पड़ेगा सर, अंक आगे ले जाऊँ, इंस्पेक्शन वगैरह होगा जो भी है इसका, एक बार कर लेने दो अंकल को। तब तक वार्म अप भी हो जाएगा बाइक का। ठीक है अंकल जी, सर्विस करवा लियो। अंकल जी एक राइडर हूँ वैसे मैं, 5-6 बाइक है, कोई दिक्कत ना, मेरी बाइक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आपकी बात तो अच्छा, अंदर भी दे आया वैसे तो मैं, कोई ना अच्छा देखा ना 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 ना, अपना ऐसा है, मेरा तो ऐसा सीन है, मैंने सारी पेमेंट वैसे ऑनलाइन करी है इनके पास। तो ठीक है, है। मैंने इंश्योरेंस भी ना 5 साल का 0 DAP का ही लिया, वैसा ना लिया थर्ड पार्टी वाला। चलो भाई 200 रुपए जेब में थे जो मैंने इनके मिठाई के नाम के दे चुका हूँ। मैंने ये अपनी डोमिनार खड़ी है और मोहित ले गया, ले आ भाई साथ में इसको। तो अभी जा रहे पेट्रोल पंप, क्योंकि इसमें पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, दोनों बाइकों में डलवाना है। तो सबसे पहले पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो इसका भी रिव्यू आपको बहुत जल्द मिलेगा, माइलेज टेस्ट वगैरह सब मिल जाएगा आपको कि क्या माइलेज निकाल रही है स्प्लेंडर। देखो बिल्कुल टाइम नहीं था, उसके बाद भी 1-1.5 घंटा यहाँ पे लग गया, क्योंकि भाई पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है। तो गाइस इसकी डिलीवरी थोड़ी सी मतलब सिंपल सी थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कल मेरी स्पीति राइड है, तो अभी मेरे को क्रोल बाग जाना है, तो मेरे पास टाइम तो 1 सेकंड का भी नहीं है। सीधा मैं ना बाइक को लेकर घर पर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा क्रोल बाग और हैंड ओवर करके इसको छोटे भाई के लिए ले रखी है ये। तो लेकिन अपने पास भी रहेगी, सारा सब कुछ होएगा ना, इसका माइलेज टेस्ट वगैरह सारे रिव्यू करेंगे इसके। तो सबसे पहले जाएंगे अभी रवि भाई के पास, क्योंकि उनसे मेरे को ना GoPro का माइक अडेप्टर लेना है जो विंड ब्लास्ट ना आए। तो गाइस जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़
जो भी स्पीति राइड है ना, विंटर स्पीति, उसके बारे में देखना, जिसको भी लद्दाख है स्पीति करना है तो उसको पूरी नॉलेज मिलेगी। बहुत बहुत बढ़िया राइड जाने वाली है, तो ज़रूर देखना। तो एक बार पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो पहले पेट्रोल डलवा ही लेते हैं। ये रहा पेट्रोल पंप। एक बार मोहित का फोन आ रहा है या किसका रहा है, एक बार ट्राई करते हैं कौन है। मैं रोड पे लगाऊंगा। उसी का है, करते हैं। बड़ी टंकी है यार इसकी, कम में उठाएगी ना ये। तो गाइस देखो, अभी तक की वीडियो थी सिर्फ नॉर्मल सी, मैंने डिलीवरी दिखाई, टाइम नहीं था बिल्कुल। अब बताता हूँ इसके बारे में पूरा क्या है। 2020 की जो फर्स्ट बैच निकला है वही है ये। और BS6 मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। देखो यार, सीधी सी बात है, जिस चीज़ की नीड हो ना वो ले लो। ये नहीं कि अब BS6 का वेट करता मैं और उसके चक्कर में इसको तोड़ देता। बाइक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सही है। और थोड़ी सी महंगी भी हो जाएगी और ज़्यादा वो। एक सेकंड में रास्ता देख लेता हूँ, यहीं से आगे से यहाँ पे अभी पहुँच जाऊँ मैं, वर्ल्ड क्लास हूँ मैं। पैथी पे खुला है। एक बार रवि भाई के पास फ़ोन कर लेते हैं। ये रे क्या ले भाई, सिलेंडर पे। हाँ अरे यार, अभी अभी डिलीवरी लेके आया हूँ, लग रहा है मेरे को एकदम समझ रही है। चलो भाई, लेट हो रहा हूँ, क्रोल भाग जाऊंगा। देखो टायर की कंडीशन देखो, स्पीति करके आना, इंजे हो जाएंगे। इसी को लेके जाओगे, इसी टायर को? ना ना, पूछ रहा हूँ, हो जाएगा। यार ये तो बड़ा प्यारा घिसा हुआ है। कितने किलोमीटर चला आगे? 15.5। बस पीछे वाला वो भी सेम ही है, उसकी कंडीशन कैसी है देख लो जाके। चलाने के ऊपर बात होती है ना भाई, डॉक्टर साहब कंडीशन के ऊपर बात होती है, चलाता कैसे बंदा। भाई पूरी खींचता हूँ ना तो उसमें टायर का स्मेल, मेरा 10,000 से ज्यादा खुद नहीं चलता। देखा मैंने, वेस्पा की लगा रखी है बढ़िया वाली। भाई चाप भी निकाल लियो। चलो ठीक है, एक बार भाई रवि भाई से मिल के फिर निकलते हैं। तो रवि भाई से मिल के निकल लिए भाई। GoPro का माइक अडैप्टर भाई के पास ही अवेलेबल था और कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का, उसने इतनी बड़ी हेल्प करी है मेरी। क्योंकि अब व्लॉग में साउंड जो ऑडियो आएगी ना वो आपको बहुत क्लियर आने वाली है, इससे पहले ये चीज़ नहीं था। अरे यार ब्रांड न्यू बाइक है ना, थोड़ा सा मैं स्ट्रेस नहीं देना चाहता बाइक को, लेकिन करूँ भी क्या, थोड़ी सी जल्दी है मेरे को, इतनी पड़ेगी हल्की हल्की। ये आ गए हम बहादुरगढ़ मेन लाइन पे। अब यहाँ से निकल के हमें जाना KMP सीधे, क्योंकि KMP से ही जाएंगे, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ गाइस घर जाने के बाद। और अगर इसका रिव्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बता देना, और कितने में पड़ी सब कुछ बता दूँगा आपसे रिव्यू में। तो अभी दिए ओनली डिलीवरी की वीडियो। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऑसम सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात, क्योंकि देखो मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया बाइक के ऊपर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अभी बोल रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है यार, कितना क्या कराऊंगा। क्रोल बाग से क्रोल बाग जाऊंगा, टाइम देखो एक बार। यहीं पे 2:30 हो चुके हैं, 2:26 सॉरी। तो घर तक मेरे को मतलब 3 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। उसके बाद मैं क्रोल बाग 4:30 बजे क्रोल बाग पहुँचूंगा, तो कब कराऊंगा यार, तो खींचता हूँ बाइक को।